जनपद एटा के थाना आवागढ़ में क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला रायान निवासी व्यापारी प्रवीण गुप्ता की 5 वर्षीय बच्ची किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर शव राम प्यारी हॉस्पिटल के पास फेंक दिया था। इस सूचना पर थाना आवागढ़ में अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। ये दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमें का गठन किया था और घटना के अनावरण के दौरान CCTV फुटेज बना लिए गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना की फुटेज में बच्ची जिस गली से में जा रही है उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी CCTV फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए, तो उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी हुई कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा घटना स्वीकार करते हुए बताया कि ये मोटी रकम की तलाश में थे, मोटी रकम वसूलने के लिए इस परिवार के किसी बच्चे को उठाना चाहते थे जिससे रकम हासिल हो सके और घटना के बाद ये एक सुनसान स्थान धानबिल में ले गए इसके बच्ची को, जहाँ पे रोहित बंजारा की नियत थी, फिर गई और कुछ नशे में वो था, इसलिए जो है इनके द्वारा बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।